Good morning, students. Today, we are going to read the chap next topic of Chapter 5 Animals and Plants. Our next topic is Animals Have Sense Organs. Animals have sense organs skin, eyes, nose, ears, and tongue. What are sense organs? These organs help us to know about the world around us. दे आर सेंस ऑर्गन्स प्लांट डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से सेंस ऑर्गन से है हमारे स्किन आईज नोज ईयर्स एंड टंग एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाई लेंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड स्नेक्स ले एग्स सम एनिमल्स लाइक कैट्स एंड काउस गिव बर्थ टू देअर यंग वंस जो बर्ड्स और स्नेक होते हैं वो लेइंग एग एनिमल्स में आते हैं और जो कैट और काउज हैं वो किस में आते हैं वो बर्थ गिविंग एनिमल्स में आते हैं मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स दी सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स सम न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अ पार्ट ऑफ अ प्लांट लाइक इस्टेम एंड रूट्स जो प्लांट्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं सीड और सीड से न्यू प्लांट ग्रो करते हैं और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं स्टेम और रूट एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर दो एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर देपेंड ऑन ईच टू लीव प्लाट्स और एनिमल्स डि क्या होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं बट वे एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट शेयर दिस वंडरफुल वर्ल्ड विथ हस और जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं ये जो वर्ल्ड है उसको एक दूसरे के साथ क्या करते हैं शेयर करते हैं इफ देयर आर जस्ट इनफ प्लांट्स जस्ट इनफ प्लांट ईटिंग एनिमल्स एंड जस्ट इनफ फ्लस ईटिंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड दे आर इज़ अ बैलेंस इन नेचर यहाँ पर क्या कौन है प्लांट्स प्लांट है प्लांट ईटिंग एनिमल्स है और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है और इससे क्या होता है हमारा नेचर बैलेंस होता है वैन देयर आर टू फ्यू एनिमल्स ऑफ अ काइंड लाइक द टाइगर दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब आपने देखा है अभी कि जो टाइगर्स होते हैं उनकी संख्या क्या हो रही है कम हो रही है तो हमारा नेचर में उनका बैलेंस कैसा हो रहा है डिस्टर्ब हो रहा है

टाइगर द टाइगर को प्रोटेक्ट करना चाहिए और ग्रो मोर ट्रीज बहुत सारे पेड़ लगाने कैन वी रिवाइज अवर टॉपिक बाय फ्लो चार्ट ओके सेंस ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स वाटर सेंस ऑर्गन्स दीज ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड दे आर सेंस ऑर्गन्स देर आर फाइव सेंस ऑर्गन्स आइस

रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स देयर इज अ टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स फर्स्ट एग लेइंग एनिमल्स एंड सेकेंड गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस ये टू टाइप्स के हमारे क्या होते हैं एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होते हैं एग लेइंग एनिमल्स कौन कौन से हैं स्नेक्स फिश एक्सेट्रा जितने भी बहुत सारे अपने वो एनिमल्स देखे होंगे जैसे बर्ड्स भी हैं वो किसमें आते हैं एग लइंग एनिमल्स में गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस इसमें कौन कौन से हैं ह्यूमंस डॉग्स कैट्स काउस लॉयंस एक्सेट्रा तो ये क्या देते हैं बेबीज देते हैं तो ये किस में आते हैं गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस

नेक्स्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन ईच अदर अब हम देखेंगे हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन ईच अदर लुक एट हियर दिस इज अ फूड चेन पहले मैं आपको ये बता दूँ पी सी इक्वल टू प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट ईट करते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं और एस सी सेकेंडरी कंज्यूमर जो ग्रीन प्लांट ईटर एनिमल्स को ईट करते हैं वो किस में आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर लुक एट हियर दिस इज अ ग्रीन प्लांट तो ग्रीन प्लांट इज अ प्रोड्यूसर व्हाई? बिकॉज ग्रीन प्लांट मेक फूड फॉर देम सेल्फ एंड फॉर अदर्स दैट्स व्हाई? दिस इज अ प्रोड्यूसर अब इनको कौन ईट करते हैं ग्रीन प्लांट ईटर एनिमल्स क्या करते हैं इस ग्रीन प्लांट को ईट करते हैं लाइक रेड रैबिट ये क्या करते हैं ग्रीन प्लांट को ईट करते हैं तो जो ग्रीन प्लांट को ईट करते हैं वो किस में आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर में मैंने आपको यहाँ पे बताया ये किस में आएंगे रेड और रेबिट प्राइमरी कंज्यूमर में अब इस रेड को कौन ईट करेगा स्नैक तो स्नैक क्या करेगा रेड को ईट करेगा इसलिए स्नैक किस में आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर में क्योंकि वो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट को ईट नहीं कर रहा है किसको ईट कर रहा है ग्रीन प्लांट ईटर एनिमल को ईट कर रहा है वैसे ही लाइक like, रैबिट को कौन ईट कर रहा है लॉयन यहाँ पे हम काउस भी ले सकते हैं काउस को भी कौन ईट करेगा लॉयन तो लॉयन किस में है सेकेंडरी कंज्यूमर है सेकेंडरी कंज्यूमर में वैन दे डाई स्मॉल इंसेक्ट्स एंड बैक्टीरियाज उनको क्या, क्या कर देते हैं डीकम्पोस्ट कर देते हैं और डीकम्पोज करके वो क्या देते हैं न्यूट्रिशन देते हैं न्यूट्रिशन फॉर ग्रोइंग टू प्लांट्स तो उस न्यूट्रिशन को कौन यूज करते हैं प्लांट्स यूज करते हैं किसके लिए ग्रो करने के लिए तो पूरा फूड चेन क्या है डिपेंड है अपॉन ईच अदर ग्रीन प्लांट्स को एनिमल्स uh, ईट uh, करते हैं इसलिए वो उस पर डिपेंड है फिर इन एनिमल्स को यानी प्राइमरी कंज्यूमर एनिमल्स को सेकेंडरी कंज्यूमर एनिमल्स ईट करते हैं फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जब डाई होते हैं तो उनको स्मॉल इंसेक्ट्स डिकम्पोज करके फिर न्यूट्रिशन के रूप में चेंज करते हैं और वो फिर से कहाँ पर चला जाता है प्लांट में चला जाता है तो ये पूरा फूड चेन क्या है डिपेंड है अपॉन ईच अदर ओके